Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंडियन एजुकेशन पावर में। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 1.4 के प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न है, जिसमें लिखा गया है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो हमें यहाँ प्रश्न दिए गए हैं, टोटल 10 प्रश्न है और पहले प्रश्न में 10 प्रश्न दिए गए हैं और हमें छांटना है कि इसमें कौन शांत अभिन्न है यानी प्रमेय संख्या है और कौन जो है अशांत प्रमेय संख्या है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसे हमें हल करने के लिए प्रमेय संख्या जो होती है शांत है कि अशांत है, इसे जानने के लिए सबसे पहले हमें एक नियम जानना होगा। नियम क्या है, तो नियम लिख लेते हैं यहाँ, प्रमेय यानी कि नियम। तो यहाँ पर हम लोग प्रमेय लिख लेते हैं, प्रमेय लिख लेते हैं एक नियम। नियम क्या है, किसी भी प्रमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड यदि 2 पे n घात और गुणे 5 पे m घात होती के रूप में हो के रूप में हो तो प्रमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत होता है। क्या होता है, शांत होता है। तो यही है वो नियम जिसके वजह से हम लोग प्रश्नावली 1.4 के सभी प्रश्नों को आसानी से हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न का सबसे पहला क्वेश्चन तो हल करते हैं। इसमें दिया गया है पहले प्रश्न में 13/3125 का शांत और अशांत दशमलव प्रसार छांटना है, यानी कि बताना है कि यह शांत है या अशांत। तो लिखेंगे, जब भी इसका किसी प्रमेय संख्या का हमें निकालना हो दशमलव प्रसार, तो उसे क्या करेंगे, सबसे पहले उसका हम लोग हर ज्ञात करेंगे। तो लिखते हैं सबसे पहले, चूंकि 13/3125 में हर बराबर कितना है, हर जो देख सकते हैं इसमें लिखा गया है 3125। अब यहाँ नियम में यानी कि प्रमेय में लिखा गया है कि हर का अभाज्य गुणनखंड इस रूप में होना चाहिए, यानी कि 2 पे n घात और 5 पे n घात के रूप में। तो पहले यहाँ हर हम लोग ज्ञात कर चुके हैं, 13/3125 में जो हर है कितना है, 3125 है। तो इसका अब हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 3125 का अभाज्य गुणनखंड। चलिए गुणनखंड करते हैं, तो ये हो जाएगा 5 × 5 × 5 × 5 × 5 और इसे हम घात के रूप में कर दें तो ये हो जाएगा 5 पे 5 घात। यहाँ पर 5 पे m घात के रूप में तो हो गया है,
लेकिन इनटू में दो पे यंगात नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग अपने मन से मान सकते हैं दो पे जीरो घात है, क्योंकि किसी भी संख्या पर यदि जीरो घात हो तो उसका मान एक होता है, और एक का गुणा इसमें करेंगे संख्या में तो संख्या ही आएगी। तो यह जो है ऐसे हो गया। अब इसको लिखेंगे, यहां देख सकते हैं जो हर जो है किस रूप में हो गया है, इस रूप में हो चुका है, तो लिखेंगे जो कि दो पे यन घात गुणे पांच पे, सॉरी यहां रहेगा क्या घात, दो पे यन घात तो हो गया और यहां पर लिखा गया है पांच पे यम घात, तो यम घात यहां पर देख सकते हैं पांच पे पांच घात है, यानी कि पांच पे यम घात के रूप में है, तो लिखेंगे के रूप में है, रूप में है। अतः 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत है। ये पहला प्रश्न लग चुका है। अब हम लगाएंगे इसका दूसरा प्रश्न। चलिए दूसरा प्रश्न हल करते हैं। यहाँ पे दूसरा प्रश्न यहाँ पर हल कर लेते हैं, इसे मैं और डिवाइड कर देता हूँ ताकि आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। ये जो है इतना पहले प्रश्न का है। अब दूसरा प्रश्न हल करेंगे, तो इसमें जो है 17/8 को बताना है, 17/8 प्रश्न में दिया गया है, और इसे बताना है कि 17/8 जो है इसका दशमलव प्रसार जो होगा शांत होगा कि अशांत होगा। तो हल करते हैं, तो इसे इसमें भी हर ज्ञात करेंगे, तो चूंकि इतना में हर बराबर कितना है 8, अब 8 का हम लोग कर देंगे अभाज्य गुणनखंड, तो ये होगा 2 × 2 × 2, यानी 2 पर कितने घात, 3 घात। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 पे 3 घात है, और यह 2 पे 3 घात है तो यहाँ पर हम 5 पर 0 घात से गुणा कर सकते हैं, क्योंकि 5 पर 0 घात का मतलब 1 होता है, और 1 का किसी में गुणा करेंगे तो संख्या वही होगी, ये तो पता ही होगा। तो चलिए इसे अब आगे बढ़ाते हैं, लिखेंगे जो कि 2 पे n घात गुणे 5 पे m घात के रूप में है, अतः 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है, क्या है, शांत है। यह हो गया दूसरा प्रश्न। अब हम तीसरे प्रश्न को हल करेंगे, तो तीसरा प्रश्न देख सकते हैं प्रश्नावली में, प्रश्न लिखा गया है तीसरा प्रश्न 64/ लिखा गया है, तीसरा प्रश्न जो लिखा गया है वह लिखा गया है 64/ तीसरा लिख लेता हूं मैं, यहां नोट कर लेता हूं पहले 64/455, ये जो है प्रश्न है। तो अब इसका हम लोग इसके हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो लिखेंगे चूंकि 64/455 में हर बराबर कितना है 455 है, अब हमें 455 का क्या करना होगा, 455 का अभाज्य गुणनखंड करना होगा। तो करते हैं इसका अभाज्य गुणनखंड, तो गुणनखंड करेंगे तो होगा 5 × 7 × 13। अब हमें यहां पर साफ दिख रहा है कि 5 × 7 × 13 जो है इस प्रमेय, यानी कि 2 पे यन घात और 5 पे यम घात के रूप में नहीं है। जो गुणनखंड आएगा, जो अभाज्य गुणनखंड आएगा, सिर्फ उसमें 2 और 5 के घात के रूप में ही होना चाहिए। अगर उसके अतिरिक्त कोई भी संख्या आती है तो वो क्या हो जाएगी, अशांत हो जाएगी, अशांत। तो यहां पर देख सकते हैं, तो लिखे यहां पर नहीं है तो लिखेंगे यहां पर, जो कि यहां पर लिख सकते हैं, और जो कि
दो पे एन घात गुणे पांच पे यम घात के रूप में नहीं है। क्या है? नहीं है, यहाँ पर नहीं है, देख सकते हैं यहाँ पर नहीं है। यह जो है गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड है, जो है इस रूप में नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे अतः अतः 64/455 का दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार क्या होगा? यह हो जाएगा अशांत, अशांत आवर्ती है। क्या है? आवर्ती, अशांत आवर्ती है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसके चौथे प्रश्न कॉल करते हैं, पहले प्रश्न का चौथा प्रश्न, चलिए हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। चौथा प्रश्न, चौथा प्रश्न में दिया गया है 15/1600। अब इसे ज्ञात करना है कि यह जो है, यह परिमेय संख्या जो है, इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत। तो हल करते हैं, लिखेंगे सबसे पहले, चूंकि 15/1600 में हर बराबर, हर कितना है पहले हर ज्ञात करेंगे, हर बराबर लिखा गया है 1600। अब हमें 1600 का क्या कर लेना है? अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। तो करते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 और 5 × 5, ये हो जाएगा। अब इसे घात के रूप में कर लूं तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4 × 2 = 6, यहाँ 6 जो है 6 बार आया है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 × 6 और 5 जो है 2 बार आया है तो लिखेंगे 5/2। यहाँ पर देख सकते हैं जो ये अभाज्य गुणनखंड जो आया है इस रूप में आया है, ये घात कुछ भी हो सकता है लेकिन जो आधार होने चाहिए और 2 और 5 ही होने चाहिए। तो यहाँ पर आधार 2 और 5 है, घात कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम लिखेंगे जो कि 2 × n × 5/m के रूप में है, रूप में है। अतः 15/1600 का दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार शांत है। क्या है? शांत, ये शांत है। पांचवा प्रश्न लिखा गया है 29/343। इसे आप ज्ञात करना है कि ये इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा क्या शांत। तो सबसे पहले लिखेंगे, बहुत ही आसान है, लिखेंगे क्या, चूंकि 29/343 में हर बराबर कितना है? 343 है। अब हमें क्या करना होगा? 343 का जो है क्या करना होगा? गुणनखंड कर देना होगा, अभाज्य गुणनखंड। तो करते हैं अभाज्य गुणनखंड, इसका अभाज्य गुणनखंड जो हो जाएगा 7 × 7 × 7। अब इसे घात के रूप में कर देता हूं तो 7/3। यहां पर देख सकते हैं जो ये अभाज्य गुणनखंड जो आया है, नियम के अनुसार यानी कि प्रमेय के अनुसार 2 × n × 5/m के बराबर नहीं आया है, तो यह जो होगा अशांत होगा। लिखते हैं जो कि 2 × n × 5/m के रूप में नहीं है। क्या है? नहीं है, यहाँ पर देख सकते हैं नहीं है। अतः 29/343 का दशमलव प्रसार जो होगा, दशमलव प्रसार जो होगा अशांत होगा। क्या होगा? अशांत आवर्ती है। क्या है? अशांत आवर्ती है। तो यह हो गया पांचवा प्रश्न। अब हम हल करते हैं इसका छठवां प्रश्न, चलिए हल करते हैं इसका छठवां प्रश्न।
छठा प्रश्न में दिया गया है, हमें जांच करना है छठा प्रश्न में कि 23 बटे जो है 23 बटे 2 पे 3 घात इंटू 5 पे 2 घात, यह जो है शांत है या अशांत। तो लिखेंगे सबसे पहले, चूंकि इतना में हर बराबर क्या है 2 पे 3 घात इंटू 5 पे 2 घात। यहां पर देख सकते हैं पहले यह अभाज्य गुणनखंड हो चुका है, प्रश्न में ही दे दिया है अभाज्य गुणनखंड, तो हमें इसका अभाज्य गुणनखंड करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिखेंगे, और जो कि 2 पे n घात इंटू 5 पे m घात के रूप में नहीं है, क्या है सॉरी यहां पर ये तो इस रूप में है ही, तो लिखेंगे रूप में है, देख सकते हैं 2 पे n घात सॉरी 3 घात जो कि 2 पे n घात से मैच कर रहा है, और 5 पे m घात जो ये घात जो है, ये जो अभाज्य गुणनखंड जो है इस नियम से मैच कर रहा है, तो यहां पर जो है 2 पे n घात और 5 पे m घात के रूप में है, यहां पर है, तो लिखेंगे अतः 23 बटे 2 पे 3 इंटू 5 पे 2 का दशमलव प्रसार शांत है, क्या है शांत है। अब हम सातवां प्रश्न को हल करेंगे, तो चलिए सातवां प्रश्न को हल करते हैं। सातवां प्रश्न जो है इसे देखना है कि शांत है या अशांत। तो सातवां प्रश्न दिया गया है कि 129 बटे 2 पे 2 घात इंटू 5 पे 7 घात इंटू 7 पे 5 घात, इसे देखना है कि यह प्रश्न जो है शांत है या अशांत है। तो लिखेंगे सबसे पहले, चूंकि 129 बटे 2 पे 2 घात इंटू 5 पे 7 घात इंटू 7 पे 5 घात में हर बराबर क्या है, देख सकते हैं 2 पे 2 घात इंटू 5 पे 7 घात इंटू 7 पे 5 घात है। तो यहां पर भी हमें अभाज्य गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है, प्रश्न में ही अभाज्य गुणनखंड कर दिया है। यह जो है यह भी नियम के खिलाफ है, क्योंकि हर के जो अभाज्य गुणनखंड जो होने चाहिए सिर्फ आधार उनका 2 और 5 ही होना चाहिए, यहां पर 7 भी आ चुका है, तो यह जो है इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो लिखते हैं जो कि 2 पे n घात इंटू 5 पे m घात के रूप में नहीं है, के रूप में नहीं है, यहां पर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर देख सकते हैं नियम के अनुसार सिर्फ 2 पे n घात और 5 पे यम घात के रूप में ही होनी चाहिए, सिर्फ दो और पांच ही गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के रूप में होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर 7 भी आ गया है, तो यह अशांत है। तो लिखेंगे अतः 129 बटे 2 पे 2 घात इंटू 5 पे 7 घात इंटू 7 पे कितना 5 घात का दशमलव प्रसार अशांत होगा, क्या होगा अशांत आवर्ती है। ये लग चुका है हम लोगों का सातवां प्रश्न। अब हम देखेंगे अब आठवां प्रश्न को हल करेंगे, चलिए करते हैं आठवां प्रश्न। यहां पर हम लोग ऐसे मैं इसको लाइन खींच के अलग कर देता हूं, डिवाइड कर देता हूं। अब यहां पर मैं आठवां प्रश्न हल करूंगा। ऐसे आठवां प्रश्न दिया गया है कि 6 बटे 15
6/15। अब इसे हमें जो ज्ञात करना है कि यह जो है शांत है कि अशांत है, लेकिन सबसे पहले इसे हम लोग थोड़ा हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो संख्या जो है ये ऊपर वाली संख्या अंश है और नीचे वाली संख्या जो हर है, हर कहलाती है। तो जो है इसे अगर हम लोग हल कर दें, थोड़ा सा इसे सरल करते हैं, तो ये हो जाएगा 2/5। यह हो जाएगा 2/5। अभी इसका हमें ज्ञात करना है, तो लिखेंगे चूंकि 2/5 में हर, हर बराबर क्या है, सिर्फ 5 है, और 5 पे कुछ नहीं तो कितने घात होते हैं, 1 घात, और इसके इंटू में मैं 2 पे 0 घात लिख सकता हूं, कि क्योंकि हम मैं पहले ही बता चुका हूं कि किसी भी संख्या पर यदि जो 0 घात हो यानी कि 0 पावर हो तो उसका मान जो होता है 1 होता है। तो यहां लिखेंगे चूंकि जो कि 2 पे n घात इंटू 5 पे m घात के रूप में है, के रूप में है, यहां नियम के अनुसार है, तो लिखेंगे अतः 6/15 का दशमलव प्रसार शांत है। क्या है, शांत है। ये लग चुका है हम लोगों का 8वां प्रश्न। अब हम लोग 9वां प्रश्न को देखते हैं। चलिए हल करते हैं 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न में दिया गया है कि 35/50 ज्ञात करना है कि यह जो है संख्या शांत है या अशांत दशमलव प्रवृत्ति की है। तो चलिए इसे थोड़ा सा हल कर लेते हैं, थोड़ा सरल कर लेते हैं। तो सरल करेंगे तो ये हो जाएगा, ये सरल करेंगे तो हो जाएगा 7/5 हो जाएगा, ये 5/35 हो जाएगा। अगर मैं 5 से दोनों अंश और हर को कटा दूं तो ये हो जाएगा 5/35। क्या हो जाएगा, ऊपर 5/35 और नीचे 5 × 5 और 0 हो जाएगा, यानी कि 5×10=50 होता है, सब जानते हैं। अभी इस संख्या का हमें ज्ञात करना है कि यह जो संख्या है दशमलव प्रसार प्रवृत्ति की है कि नहीं है, शांत दशमलव प्रसार की है कि नहीं है। तो देखते हैं, सबसे पहले इसका हर जो है लिखेंगे, चूंकि 7/10 में हर बराबर कितना है, 10। अब 10 का हम लोग कर देंगे अभाज्य गुणनखंड, तो यह हो जाएगा 2×5। और ये देख सकते हैं 2 पर ना ही कोई घात है और ना ही 5 पे कोई घात है, तो यहां पर हम लोग 1 घात मान सकते हैं। तो लिखेंगे जो कि 2 पे n घात इंटू 5 पे m घात के रूप में है, अतः 35/50 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो यह लिखेंगे शांत है। तो ये लग चुका है हम लोगों का 9वां प्रश्न। अब हम लोग देखेंगे इसी का 10वां प्रश्न। तो 10वां प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है 77/210। अब इसे ज्ञात करना है कि यह जो है संख्या, ये जो परिमेय संख्या जो है, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा। तो सबसे पहले लिखते हैं, ये 10वां प्रश्न है, तो चलिए हल करते हैं 10वां प्रश्न को। इसे जरा सा सरल कर लेते हैं, सरल करेंगे तो होगा 7 से अंश और हर में दोनों भाग में भाग दे, 7 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 11/30। अब इसका हमें ज्ञात करना है, तो लिखेंगे चूंकि 11/30 में हर बराबर कितना है,
30 है। अब हमें 30 का अभाज्य गुणनखंड करना होगा, तो अभाज्य गुणनखंड करते हैं, यह हो जाएगा 2 × 5 × 3। अब यहां पर देख सकते हैं 2 पर 1 घात, 5 पे 1 घात और 3 पर भी 1 घात के रूप में है, जो कि नियम के अनुसार नहीं है। नियम के अनुसार, प्रमेय के अनुसार जो अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए वह सिर्फ उसका आधार 2 और 5 ही होना चाहिए, और इसमें 3 भी आ चुका है, तो लिखेंगे जो कि 2 पे n घात इंटू 5 पे m घात के रूप में नहीं है, के रूप में नहीं है, नहीं है ये, तो लिखेंगे अतः ये जो प्रश्न था 77/210 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। क्या है? अशांत आवर्ती है। ये लग चुका है हम लोगों का प्रश्नावली 1.4 का पहला प्रश्न। अब हम प्रश्नावली 1.4 के दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। इसमें लिखा गया है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को निम्नलिखित लिखित जो शांत हैं। तो यहाँ ऊपर दिए गए प्रश्न बोला है, तो ऊपर दिए गए प्रश्न कौन है? पहला प्रश्न है, और पहले प्रश्न में जो प्रमेय शांत थी उसी का हमें दशमलव प्रसार करना है। तो अभी हम लोग पहले प्रश्न को हल किए हैं, उसमें देख सकते हैं, उसमें किए थे तो हम लोगों ने पाया कि इसमें कौन कौन सी संख्याएं जो थी शांत थी। तो सबसे पहले का जो पहला था वो शांत था, इसे हल करते हैं। पहले इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करते हैं, तो ये है 13/3125। चलिए इसका अब हम लोग दशमलव प्रसार करते हैं। तो पहला है, दूसरा हम लोग हल करने वाले हैं, दूसरा, और दूसरे में कौन है? दूसरे में सबसे पहले पहला हो जाएगा, क्योंकि पहले प्रश्न का पहला शांत प्रसार में था, दशमलव उसका प्रसार शांत था। तो हल करते हैं पहले को, लिखेंगे दिया क्या था, 13/3125। तो लिखेंगे 13/3125 में, और इसमें क्या है देखेंगे, क्या है इसमें, लिखेंगे 3125। अब इसका हम लोग पहले करेंगे अभाज्य गुणनखंड। चलिए अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो ये हो जाएगा 5 × 5 × 5 × 5 × 5, इसे घात रूप में कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 पे 5 घात। अब इसको लिखेंगे, ये घात रूप में हो गया है, तो लिखेंगे इसलिए 13/3125 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 13/5 पे 5 घात, इसे हम लोग पहला समीकरण मान सकते हैं ऐसे। इसी को हम लोग अभाज्य गुणनखंड घातीय रूप में लिख चुके हैं। अब हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं 5 पे 5 घात है, तो इसे हमें, हमारा मकसद सिर्फ ये होगा हम लोगों का कि जो हर को किसी भी तरह चेंज करना है 10 के घात के रूप में चेंज करना है। तो लिखते हैं, यहाँ पर 5 दिया गया है, तो 5 में अगर 2 से गुणा करेंगे तो 10 हो ही जाएगा, तो 5 पे 5 घात दिया है, तो इसलिए हम लोग 2 पे 5 घात से गुणा करेंगे। तो लिखेंगे एक में 2 के 5 घात से गुणा तथा भाग करने पर, गुणा तथा
भाग करने पर। तो अब हम लोग 13/5 पे 5 घात था ही, अब इसमें गुणा करेंगे 2 पे 5 घात और 2 पे 5 घात से गुणा भी कर दिए और भाग भी कर दिए। इसे अगर मैं आगे हल करूं तो ये हो जाएगा 13 × 2 पे हो जाएगा 2 कर, यदि मैं 5 बार गुणा करूं तो ये हो जाएगा 32। क्या हो जाएगा? 32। और इसी प्रकार अगर मैं इन दोनों संख्याओं का गुणा कर दूं 2 पे 5 घात और 5 पे 5 घात तो ये हो जाएगा आधार का गुणा हो जाता है और घातें जो होती हैं सेम रहती हैं तो रख लेते हैं। घातांक का नियम जानते होंगे तो इसे आसानी से कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लिखेंगे 2 × 5 और इसका जो देख सकते हैं घात समान है तो घात 1 ही लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, इसको 32 का 13 में गुणा कर देना है। तो 32 का 13 में गुणा कर लेते हैं तो ये होगा 416 और नीचे 2 पचे हो जाएगा 10, इस पर कितने घात? 5 घात। 5 घात का मतलब हो जाएगा कि 4/16 और यहाँ 5 घात का मतलब होगा 5 जीरो, 1 पर कितने 0? 5, 1, 2, 3, 4 और ये 5। अब हमें क्या करना होगा, बहुत ही आसान है। जब नीचे सिर्फ 1 के पीछे कितना भी 0 हो तो संख्या पहले नोट करते हैं। संख्या क्या है? 416। अब कितने 0 है? 1, 2, 3, 4, 5। तो संख्या के हम लोग दाहिने साइड से गिनते रहेंगे 5 बार, 1, 2, 3 और एक और लगाते हैं 0 और ये 5। 5 हो गई संख्याएं, 5 अंकों की संख्या हो गई। अब इसमें दशमलव लगा के एक और 0 लगा देना है। तो ये जो हो गया पहला जो प्रश्न लग चुका है दूसरे प्रश्न का। अब हम देखते हैं कि दूसरे प्रश्न का कौन सा शांत प्रसार करना है। तो ये था दूसरा, अब हम लोग दूसरा करेंगे क्योंकि प्रश्न 1 का दूसरा जो था वह भी शांत था। तो लिखेंगे 7/8। अब 7/8 को हल करना है तो सेम टू सेम ऐसे ही प्रश्न करना है जैसे ये प्रश्न अभी अभी हम लोग हल किए हैं। इसमें भी लिखेंगे इतना में 8 = 2×2×2 और इसे घात रूप में लिखेंगे तो 2 पर 3 घात हो जाएगा। लिखेंगे इसलिए 7/8 बराबर किसको दर्शाएगा? 17, यह 17 होगा, 17/8 बराबर दर्शाएगा 17/8 हो जाएगा। 8 को देख सकते हैं यहाँ हम लोग घातीय रूप में बदल लिए हैं तो यह हो जाएगा 2/3 घात, ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं 2/3 घात है तो किस संख्या से गुणा भाग कर दिया जाए तो नीचे 10 हो जाएगा। तो 2 में किसे गुणा करेंगे? 10 होगा 5 से। तो लिखेंगे इसे 1 मान लेता हूं, ये दूसरा प्रश्न मैं कर रहा हूं तो लिखूंगा 1 में 2 यहां था है तो किसे गुणा करेंगे? 5 से। तो लिखेंगे 5/3 घात से गुणा तथा भाग करने पर, गुणा तथा भाग करने पर, भाग करने पर यह हो गया। अब हम लोग संख्या में ये प्रमेय संख्या जो है इसमें 5/3 घात से गुणा तथा भाग कर देंगे तो संख्या जो है क्या है? 17/2/3 घात और इसमें गुणा में कर दूंगा किससे? 5/3 घात से और भाग भी कर दूंगा 5/3 घात से। अब मैं इसका थोड़ा हल करते हुए ले जाऊंगा और ये जो है शांत प्रसार था तो ये दशमलव रूप में बदल जाएगा। हल करता हूँ 17 × 5/3 घात तो ये हो जाएगा 125, ये 125 हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं आधार अलग अलग है तो आधार अलग अलग है तो एक ही क्वेश्चन में लिखेंगे 2/5 और ये जो है घात जो है समान है मतलब कि बराबर है तो यहाँ लिखेंगे 3 घात है दोनों पर। इसे आगे बढ़ाते हुए हल करते हैं 17 का 125 में गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2125
अब ये नीचे जो हर है इसका गुणा करेंगे तो होगा 2 × 5 = 10 और 10 पर कितने घात, 3 घात है तो लिखेंगे 3 घात। अब इसका हम लोग 2125 में नोट कर लेता हूँ पहले, और उसके बाद देखता हूँ कि यहाँ पर जो है 10 पे 3 घात है, 10 पर 3 घात का मतलब 10 एक लिखकर इस पे 3 जीरो लगा दूंगा ऐसे। अब इसे हमें दशमलव में बदलना है, दशमलव प्रसार करना है, तो दशमलव प्रसार करने के लिए क्या करना होगा, पहले तो संख्या नोट करनी होगी, संख्या में नोट कर लेता हूँ, अंश जो लिखा है अंश में जो है उसे नोट कर लेता हूँ, और जो हर में देखते हैं कितने जीरो हैं एक के पीछे, तो एक के पीछे 1, 2, 3 है, तो जो ये अंश उतार रहा हूँ इसी में मैं 3 जीरो के बदले 3 बार गिनती कर दूंगा दाहिने साइड से, तो 1, 2, 3 और यहाँ पर लगा दूंगा मैं दशमलव, तो यह जो है दशमलव प्रसार हो चुका है। हम लोग दो प्रश्न कर चुके हैं, अब हम लोग इसके तीसरे प्रश्न कॉल करते हैं, देखते हैं कि कौन सा शांत था, पहले प्रश्न में जो शांत होगा उसी का दशमलव प्रसार करेंगे, तो वह था चौथा प्रश्न। अब हम लोग चौथे प्रश्न को हल करेंगे, पहले प्रश्न का ही चौथा प्रश्न है जिसे हमें दशमलव प्रसार करना है, तो वह है क्या है दिया गया है प्रश्न में, चौथा प्रश्न दिया गया है 15/1600। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, एक जो 1600 है इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, तो अभाज्य इसका गुणनखंड करेंगे तो ये होगा, यहाँ पर देख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड जो होगा क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड जो होगा ये जो संख्या है 16 इसका करेंगे हम लोग पहले आसान बनाने के लिए, तो 2 × 2 × 2 × 2 और जो है इसी जो जीरो है 2 × 0 है इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 घात, क्योंकि 2 को अगर 10 को मैं 10 पे 2 घात होगा, अगर मैं 10 को 2 बार लिखूंगा तो 100 हो ही जाएगा, तो इसे मैं घातीय रूप में लिखूं तो ये हो जाएगा 2 × 4 घात और गुणे 10 × 2 घात। तो ये हो चुका है हम लोगों का अभाज्य गुणनखंड, और इसे अब हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इसलिए 15/1600 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 15/2 × 4 घात इंटू 10/2 घात, इसे मैं 1 मान लेता हूं ऐसे। यहां पर हम देख सकते हैं ये जो हम लोग घातीय रूप में किए हैं इसमें 10 तो है, जो कि हमें हर को हमें किसी भी हाल में 0 यानी कि 10 के रूप में लाना होगा, तो यहाँ पर 2 × 4 घात है, तो 2 में किसे गुणा करेंगे तो 10 होगा 5 से, तो यहाँ पर 2 × 4 घात है तो इसलिए हम लोग 5 × 4 घात से गुणा और भाग कर देंगे, तो लिखेंगे 1 × 5 × 4 घात से गुणा तथा भाग करने पर, गुणा तथा भाग करने पर, भाग करने पर ऐसे हम लोग इसे नोट कर लेते हैं, ये 4 है, भाग करने पर ये हो गया। अब हम लोग 15/2 × 4 घात गुणे 10/2 घात में किसे गुणा करेंगे, 5/4 घात से, और भाग किसे करेंगे, 5/4 घात से, इसे हल करते हैं जाना है, बस आसान है बहुत ही, तो 15 और ये हो जाएगा, अगर मैं 5/4 घात का अगर मैं गुणा कर दूं, 5 को 4 बार गुणे गुणे करके से हल करूंगा तो ये हो जाएगा 625। और यहाँ पर देख सकते हैं 10/2 घात तो पहले से है क्योंकि ये 10 घात के रूप में है ही, हमें तो यही तो लाना ही है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 2/4 घात है और 5/4 घात है, तो इसे लिखेंगे 2 × 5/4 घात, इसे 15 का 625 में गुणा कर लेते हैं, तो 15 का 625 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9375 और बटे में 10/2 घात है, और यहाँ पर देख सकते हैं 2 × 5 हो जाएगा 10 और 10 पर कितने घात लिखा है, 4 घात लिखा है यहाँ पर,
तो हम लोग यहाँ पर भी चरहत लगा लेंगे। अब इसे हम लोग सिर्फ 10 जो है घात के रूप में है उसे विस्तार के रूप में लिखते हैं, तो लिखेंगे 9375 बटे में 10 पे कितने घात पहले लिखा गया है, पहले लिखा गया है 2 घात, तो 2 जीरो लगाएंगे, फिर लिखा गया है 4 घात, तो 4 जीरो और बढ़ा देंगे 1 2 3 4। और अब हमें अंश को नोट कर लेना है 9375, और ये जो है संख्याएं देख सकते हैं कितनी संख्या है जीरो की, जीरो की संख्या जो है नीचे एक के पीछे कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो है, तो जो अंश हम लोग नोट किए हैं इसी में 6 जीरो लगाना है दाहिने साइड से, यानी कि इस साइड से, तो इस साइड से नोट करते हैं 1 2 3 4, ये 5 और ये 6, दशमलव लगाते हुए एक और जीरो बढ़ा देंगे, तो ये जो हो गया दशमलव प्रसार हो चुका है। छठवां प्रश्न है और इसका दशमलव प्रसार करना है, पहले प्रश्न का ही छठवां प्रश्न है जिसे दशमलव प्रसार करना है। यह लिखा गया है 23/2 पे 3 घात और 5 पे 2 घात, इस रूप में लिखा गया है, तो इसमें भी देख सकते हैं इसमें जो हर जो है पहले ये अभाज्य गुणनखंड कर दिया है, तो इसमें हमें अभाज्य गुणनखंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें बस हमें क्या करना होगा, लिखेंगे अंश तथा हर में किससे गुणा कर देंगे, देख सकते हैं 2 पे 3 घात पहले से है और 5 पर 2 ही घात है, तो एक घात और हो जाता तो ये दोनों घात जो होते हैं बराबर हो जाता है, तो किसे गुणा करेंगे 5 से, लिखेंगे 5 से गुणा करने पर, गुणा तथा भाग करने पर, गुणा तथा भाग भाग करने पर, करने पर। चलिए इस प्रश्न में अंश तथा हर में गुणा तथा भाग करते हैं, तो ये हो जाएगा 23/2 पे 3 घात गुणे 5 पे 2 घात, इसमें गुणा कर देते हैं 5 से और भाग भी कर देते हैं 5 से, तो 23 में अगर हम लोग 5 से गुणा करेंगे तो यह जो होगा कितना हो जाएगा 115 हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं यह 5 जो है 5 पे 2 घात के साथ मिल जाएगा, यानी कि 5 ये आधार है, आधार जो है इन दोनों का बराबर है तो गुणा होगा, तो इस पर कुछ नहीं तो 1 घात है, तो इन दोनों के घात जो होंगे जुड़ जाएंगे, मिल जाएंगे, तो 2 पे 3 घात और यह हो जाएगा 5 पे 3 घात। अब इसे आगे बढ़ाते हैं तो 115/, यहाँ पर देख सकते हैं आधार जो है इन दोनों का बराबर नहीं है, तो लिखेंगे 2 गुणे 5 और घात तो बराबर है तो लिखेंगे 3, क्योंकि 3 ही घात जो है बराबर है, तो लिखेंगे 115/2 कितना होगा 10 और इस पर 3 घात है तो लिखेंगे 3 घात। अब 115 तो है ही और नीचे देख सकते हैं लिखा गया है यहाँ पर हर में 10 पे 3 घात, और 10 पे 3 घात का यदि विस्तार किया जाए तो हो जाएगा 1000, क्योंकि 1 पे 3 जीरो, 3 घात है तो 3 जीरो। अब इसे दशमलव प्रसार करना है तो बहुत ही आसान है, पहले तो अंश को हमें नोट कर लेना होगा, ऐसे में नोट कर लिया, और इसमें देखेंगे कि हर में जो है एक के पीछे कितने जीरो है, 1 2 3 3 जीरो है, तो इधर से दाहिने साइड से हमें दाहिने हाथ के साइड से 3 अंकों को गिनना होगा, तो 1 2 3 और यहाँ पर दशमलव लगाकर 1 जीरो लगा देंगे, तो ये दशमलव प्रसार हो जाएगा। अब अगला प्रश्न करते हैं जिसका दशमलव प्रसार करना है, तो वह जो है आठवां है, आठवां प्रश्न का दशमलव प्रसार करना है, चलिए इसे दशमलव प्रसार करते हैं। लिखा गया है 6/15 को हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, थोड़ा सरल कर लेते हैं, सरल करेंगे तो हो जाएगा
इसको सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 6 और 3 × 5 = 15 ऐसे, यानी कि 2/5 हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं नीचे हमें किसी भी कारण कुछ भी जैसे नियम लगाकर गुणा भाग करके नीचे जो होगा हर में हमें किसी तरह 10 के रूप में लाना है। यहाँ पर 5 दिया गया है तो हम लोग 2 से गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो लिखेंगे अंश तथा हर में, अंश तथा हर में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा तथा भाग करने पर, गुणा तथा भाग, गुणा तथा भाग करने पर ये हो गया। अब हमें संख्या में जो संख्या दी गई है परिमेय संख्या, इसमें 2 से गुणा भी करना है और 2 से भाग भी करना है ऐसे। अब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 × 4 और नीचे हो जाएगा 2 × 5 = 10। अब यहाँ पर आसानी से हम लोग कर सकते हैं, पहले अंश को नोट करेंगे और दाहिने साइड से कितने अंक को गिनेंगे, 1, एक ही अंक को गिनेंगे क्योंकि हर में जो दिया गया है 1 के पीछे सिर्फ 1 ही 0 है, यानी कि दहाई है। तो यहाँ पर 1 के बाद यहाँ पर हम लोग दशमलव लगाएंगे और उसके बाद 0 नोट कर लेंगे। अब जो है पहले प्रश्न का ही अंतिम प्रश्न जो है शांत है और वो है 9वां प्रश्न। तो 9वें प्रश्न को अब हम लोग विस्तार करेंगे, दशमलव प्रसार करेंगे। 9वां प्रश्न में लिखा गया है 35/50, 35/50 लिखा गया है। इसे भी जरा सरल कर लेते हैं, तो सरल करेंगे तो हो जाएगा 7/10। और यहां पर देख सकते हैं 7/10 में पहले से ही जो हर का जो मान है यह 10 के रूप में है, 10 के घात के रूप में है, तो हमें किसी भी संख्या से गुणा या भाग करने की जरूरत नहीं होगी, तुरंत इसका दशमलव प्रसार हो सकता है। तो तुरंत यहाँ पर लिख सकते हैं, अंश को नोट करेंगे पहले, और 1 ही 0 है हर में, देख सकते हैं हर में 1 के पीछे 1 ही 0 है, तो 7 के बाद 1 दशमलव लगाकर 1 0 लगा देंगे और ये हो गया दशमलव प्रसार। अब हम इस प्रश्नावली का 3वें प्रश्न को हल करेंगे। इस प्रश्न में लिखा गया है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप में है तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो प्रश्न 3 के 3 प्रश्न दिए गए हैं और इसमें हमें यह देखना है कि तीनों में कौन सी संख्या परिमेय संख्या है और कौन जो है अपरिमेय संख्या है। तो जो परिमेय संख्या होगी उसका हमें P/Q के रूप में हल भी करना है। तो चलिए तीसरे प्रश्न का, सबसे पहले हम लोग तीसरा प्रश्न का पहला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न का पहला प्रश्न पहला प्रश्न दिया गया है 43.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 तक। अब यहां नीचे लिख सकते हैं इसे हल करने के लिए, क्योंकि यह दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। देख ही सकते हैं यह दशमलव प्रसार जो है क्या है, शांत है। यदि यह डॉट 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 करके दिया होता या इसके ऊपर ऐसे लाइन खींची होती एक, तो यह जो होता अशांत होता, लेकिन यह जो है शांत है। नीचे लिखेंगे इसलिए यह एक परिमेय संख्या को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है, परिमेय संख्या को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है, परिमेय संख्या को
व्यक्त करता है। जब यह परिमेय संख्या को व्यक्त करेगा तो तब इसका हम लोग पी बटे क्यू के रूप में लिखेंगे। तो लिखेंगे माना पी बटे क्यू बराबर 43.1234, यह पांच रहेगा, 5, 6, 7, 8 और 9। यहां पर प्रश्न देख सकते हैं, उसको मैं यहां से यहां पर नोट कर लिया हूं पी बटे क्यू मानकर। अब इसे आगे हल करते हुए पढ़ाते हैं, तो पी बटे क्यू बराबर हो जाएगा, दशमलव को हम लोग हटाते हैं तो दशमलव को हटाएंगे तो यह हो जाएगा, सभी संख्याओं को नोट कर लेंगे, सभी अंकों को, सिर्फ दशमलव को हम लोग नोट नहीं करेंगे, तो यह हो जाएगा, इतना मैं इसे जल्दी जल्दी नोट कर लेता हूं, और बटे में यानी कि हर में क्या लिखा जाएगा, तो यहां पर देख सकते हैं दशमलव को हम लोग एक समझिए, एक मानेंगे एक, और दशमलव के बाद कितने अंक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 अंक है, लिखेंगे इसके पीछे जीरो लगाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9, 9 लग गए हैं इसके पीछे जीरो, और 9 जीरो लग गए हैं तब इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये अंश तो वैसे ही नोट करेंगे जैसे दिया गया है, ये हो गया, और यहां पर जो जीरो दिया गया है हम लोग जानते हैं पहले ही कि अगर 10 हो तो इसका गुणनखंड करेंगे तो यह हो जाएगा 2 गुणे 5, अगर 100 हो तो यह हो जाएगा, यहां पर देख सकते हैं 2 जीरो है तो यह हो जाएगा 2 पे 2 घात और 5 पे 2 घात। तो इसी तरह इसी नियम का पालन करते हुए हम लोग यहां पर 1 के पीछे 9 जीरो है तो लिखेंगे 2 पे 9 घात और 5 पे 9 घात, यह हो जाएगा। अब यहां पर देख सकते हैं क्यू के बराबर यह जो है 2 पे 9 घात और 5 पे 9 घात लिखा गया है तो लिखेंगे, अतः स्पष्ट है, अतः स्पष्ट है कि क्यू के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 पे n घात इंटू 5 पे m घात के रूप में है, के रूप में है। तो यह पहला प्रश्न लग चुका है, अब हम लोग तीसरे प्रश्न का दूसरा प्रश्न देखते हैं, दूसरा प्रश्न हल करते हैं। इसमें लिखा गया है 0.120, फिर 1200, 1200, फिर लिखा गया है 1200000, और इसके बाद डॉट 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 ऐसे कर दिया है, यानी कि यह अनंत तक ऐसे चलता जाएगा। तो यहां पर देख सकते हैं कि इसका एक लिमिट नहीं है या इसका एक कोई सीमा नहीं है कि ये कहां तक लिखा हुआ रहेगा, तो इसलिए यह अशांत है। तो लिखेंगे चूंकि यह दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है, अशांत आवृत्ति का है, आवृत्ति है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यह जो है
दूसरा जो था अपरिमेय संख्या था, तो इसे हल करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि प्रश्न में दिया गया है कि जो परिमेय संख्या हो उसे ही हल करके बताना था कि वह पी दो पे एन घात और इंटू पांच पे एम घात के रूप में है। लेकिन यह तो दूसरा प्रश्न है ही नहीं परिमेय संख्या, तो अब हम लोग तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तो तीसरा प्रश्न नोट कर लेता हूं। तीसरा प्रश्न दिया गया है 43.12345678 9 और इन सभी पर एक लाइन खींची गई है जिसे हम लोग बार कहते हैं बार। तो यहाँ पर इस लाइन का मतलब होता है यह लाइन दर्शाती है क्या दर्शाती है 43 कि इन जिसके ऊपर यह लाइन खींची रहती है उस संख्या का पुनरावृत्ति होती रहती है यानी कि बार बार दोहराती रहती है। जैसे हम इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तो खो गया लेकिन इस लाइन की वजह से फिर से लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यह चलता जाएगा ऐसे ही, यह रुकेगा नहीं, ऐसे ही लिखते जाना है इसको। तो यह भी क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा यानी कि अपरिमेय संख्या। तो इसे भी नोट कर लेंगे लिखेंगे चूंकि यह दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। क्या है? अशांत आवर्ती है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। तो यह जो है प्रश्नावली 1.4 पूरी तरह लग चुका है। आप चाहें तो इन सभी को अच्छे से देखकर एक नोट्स भी तैयार कर सकते हैं।